हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द गॉस इलेट। सो गाइस, कैसे हो सारे? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। सो जैसे कि आप सभी को मालूम, भाई दिवाली कुछ दिन में आने वाली है, तो उस पर एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ मैं, जो कि देखने में भाई काफ़ी औसम क्रिएटिव टाइप का एडिटिंग लग रहा। तो बस आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहना। एंड आपको वीडियो जैसे भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से करना। भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप स्टेप क्रिएट करते हो तो मुझे स्टेप अटैक करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो चल फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपको सबसे पहले क्या करना, अपने फोन के अंदर भाई हमेशा की तरह कर लेते हैं हम लोग यहाँ से पिक्सआर्ट ऐप को ओपन। ओके, सो मैं यहाँ से फोन के अंदर कर लेता हूँ पिक्सआर्ट ऐप को ओपन। एंड जैसे ही आपके फोन के अंदर जाएगा, उसके बाद गाइस आप लोग को वहाँ पे इस वाले बैकग्राउंड को ओपन करना, ठीक है। एंड इस वाले बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे करना क्या, हम यहाँ पे जो भी यूज करेंगे इस फोटो एडिटिंग के लिए बैकग्राउंड पेज, वो सारे क्लिक कर आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। इस वाले बैकग्राउंड को लाने के बाद आप लोग को ऐड फोटो में जाना। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आप लोग को डाउनलोड में जाना और यहाँ से आप लोग को हैप्पी दिवाली टेक्स्ट पीएनजी को यहाँ पे ऐड कर लेना है, जैसे कि मैं कर लिया हूँ। और इस पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद पहले इसका तो आप लोग को ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर लेना है। और स्क्रीन कर लेने के बाद आप लोग को परफेक्ट यहाँ पे फिर सेट कर लेना, अच्छे तरीके से पोजिशन यहाँ पर देकर सेट कर लेना है हैप्पी दिवाली को, जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ सेम स्टाइप से करना। उसके बाद आप लोग को दिवाली के ऊपर टैप करना, इधर प्लस का आइकॉन पर क्लिक करना, ऐड फोटो में चले जाना है। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आप लोग को अपने फोटो को फिर यहाँ पे ऐड कर लेना है, जिस फोटो को आप लोगों ने कट आउट करके रखा है, तो मैं यहाँ से ऐड कर ले रहा हूँ। और ये जो फोटो है इसे मैं पहले से कट आउट करके रखा हूँ एडिट करने के लिए। तो अगर आपको कट आउट करने नहीं आता तो प्राइवेट में वीडियो आ रही है, जाकर आप लोग ये वीडियो देख लेना आप जाओ, ठीक। सो ये फोटो को लाने के बाद फिर आप मतलब अपने फोटो को लाने के बाद उसे भी आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पोजिशन दे देना, परफेक्ट सेट कर लेना यहाँ पे। उस टाइप से यहाँ पे सेट कर लेने के बाद सिंपल आप लोग फिर यहाँ से डन कर देना। सो इस टाइप से आप लोग को हैप्पी दिवाली टेक्स्ट पेंज और अपने फोटो को इस टाइप से सेट कर देना बैकग्राउंड के ऊपर। एंड उसके बाद फिर से आप लोग को चले जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आप लोग को फिर यहाँ पे कुछ पीएनजी को ऐड करना, तो डाउनलोड में जाना और ये जो पीएनजी है भाई फुल एडिट टाइप का जो भी हो तो उसी को लाना, और उसके साथ में एक रॉकेट पीएनजी है उसे लेना, ठीक है। तो इसे लाने के बाद पहले तो ये जो फुलझड़ी टाइप का जो ये फायर था तो इसका ब्लेंड मोड को स्क्रीन करना और ये साइड में इस टाइप से यहाँ पे इसे सेट कर देना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बोतल जो इसका सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो बोतल रॉकेट पीएनजी है इसे लाएंगे हम लोग, और इसे भी हम लोग नीचे की तरफ इस टाइप से यहाँ पास इसे सेट कर देंगे, ठीक है। सो ये दो पीएनजी को आप लोग कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेट कर लेना, ठीक है। एंड ये दोनों पीएनजी को सेट करने के बाद आप लोग को सिंपल इधर राइट वाला जो बटन दिख रहा है कॉर्नर में, यहाँ से इस पर क्लिक करके डन कर देना। सो ये हो गया। एंड ये इस टाइप से आप लोग को दोनों पीएनजी को सेट कर देने के बाद आप लोग यहाँ पे नोट करो, ये जो हम लोग यहाँ पे शूज जो भाई बिल्कुल फेक सा लग रहा है, और ये रॉकेट बोतल भी फेक सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई बिल्कुल ही हवा में एंड फेक टाइप का लग रहा है। तो अगर ये शैडो रहता तो रियल लगता, तो इसलिए हम लोग ऐड फोटो में जाएंगे। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद हम लोग शैडो पीएनजी को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो मैं यहाँ से डाउनलोड के फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे मैं फास्ट कर दिया हूँ थोड़ा सा। उसके बाद शैडो पीएनजी को लाने के बाद ये मैं यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ शैडो को। तो शैडो को लाने के बाद हम लोग सबसे पहले जो है शूज के पास यहाँ पे हम लोग देंगे, एंड इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेना है। उसके बाद इसका एक ओपेसिटी कम कर लेने के बाद फिर इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। एंड सेकंड शूज के पास मतलब दोनों शूज के पास दे देना, और उसके बाद एक और डुप्लीकेट बना के बोतल रॉकेट पीएनजी जो ये वाले बोतल के पास भी दे देना। एंड ये तीनों पास दे देने के बाद सिंपल हम लोग यहाँ से डन कर देना है। एंड अब ये मतलब रियल टाइप का लग रहा है। इसके बाद हम लोग एक और स्टेप मतलब एक चीज़ और ऐड करेंगे पिक्सआर्ट के अंदर, वो लास्ट। तो हम लोग ऐड फोटो में जाएंगे, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद हम लोग डाउनलोड के फोल्डर में जाना है और वो पीएनजी का हम लोग यहाँ से ऐड कर लेते हैं। सो ये रहा भाई मतलब फायरवर्क फायर टाइप का कुछ ऐसा, तो फायर स्पार्क पीएनजी मतलब क्या जो भी हो। तो उस टाइप से इसे ऐड कर लेने के बाद सबसे पहले जो इसका ये जो है फोटो, इसका ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर लेना और इसे पूरे फोटो को ऊपर कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेट कर देना। सो ये सेट है। एंड इस टाइप से करने के बाद हमारा जितना भी स्टेप था पिक्सआर्ट के अंदर वो सारा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, इसलिए हम लोग अपनी इस फोटो को ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। ओके, सो ये हो गया। एंड उसके बाद गाइस हम लोग अपने इसी फोटो को फिर लेके चले आएंगे लाइट रूम के अंदर। सो मैं यहाँ पे लेके चला आया हूँ लाइट रूम के अंदर। एंड अपने लाइट रूम के अंदर अपनी इस फोटो को लाने के बाद क्या करना वो देख ले। सो हम लोग करेंगे कलर ग्रेडिंग, तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए सिंपल चले जाएंगे यहाँ से कलर वाली ऑप्शन में। एंड कलर वाली ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे टेम को हम लोग माइनस कर देंगे -4, ठीक है। एंड उसके बाद इधर साइड में आप लोग को मिक्स टोल दिख रहा होगा कलर वाले राउंड कलर, तो इस पे जाना ऑरेंज कलर पे आना। यहाँ पे सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर देंगे हम लोग और लुमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे भाई, जिससे हम लोग का जो फेस है उस पर थोड़ा लाइट आए। उसके बाद हम लोग सिंपल मिक्स टूल से डन कर देंगे। सो यहाँ से डन कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम चले आएंगे नीचे की तरफ जो इफेक्ट है इसमें आएंगे। यहाँ पे गाइस हम लोग क्लैरिटी को इंक्रीज कर देना अराउंड 10 रखना है, और टेक्सचर को यहाँ पे रख लेना है 4, विगनेट को -15। उसके बाद हम लोग को चले आना डिटेल वाले ऑप्शन में, और डिटेल वाले ऑप्शन में आने के बाद नीचे की तरफ जो कलर नॉइज रिडक्शन जो है इसको इंक्रीज कर देना 20 रखना, और स्मूथनेस को फुल कर देना।
उसके बाद गाइस हम लोग अपने फोटो का बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। सो पिक्चर के अंदर हमारा फोटो कुछ स्टेप से था, लाइटरूम से रिटच करने के बाद कुछ स्टेप आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप स्टेप क्रिएट करते हो तो मुझे स्टेप जरूर से फॉलो कर लेना, अपनी पिक को वहाँ पे टैग करना। मैं मिलता हूँ फिर किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड बाय एंड टेक केयर।